सिरमौर के सिरगाम में सुबह एक कार गहरी खाई में गिर गई। कार में एक युवती समेत चार व्यक्ति सवार थे। कार में तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है। सूत्रों की माने तो ये चारों कलाकार हैं और जब वे सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर वापिस आ रहे तो अचानक मोड़ के समीप चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार गहरी खाई में गिर गयी। सिरमौर के सरगांव में आज सुबह एक कार गहरी खाई में गिर गई। कार में एक युवती समेत चार व्यक्ति सवार थे। कार में तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है। सूत्रों की माने तो ये चारों कलाकार हैं और जब वे सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर वापस आ रहे थे तो अचानक मोड़ के समीप चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार खाई में गिर गई। गांव के लोग तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को निजी वाहनों में डालकर सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उनका उपचार चल रहा है। अधिक जानकारी देते हुए उप प्रधान राजेश शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक कार सरगांव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो वे मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वे घायलों को अपने निजी वाहनों में डालकर सोलन ले आए। उन्होंने बताया कि घायलों के नाम श्याम, प्रदीप, ईशानी और सुरेश है, जो किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी कार करीबन 400 फीट खाई में गिरी थी। एक्सीडेंट हुआ है, प्रोग्राम से कहीं राजगढ़ से आ रहे थे और सरगांव के पास एक्सीडेंट हुआ है और जैसे ही सुबह पता चला है, गाँव वालों ने इकट्ठे होके और सबने, एक लड़के ने मुझे कॉल किया कि एक्सीडेंट हो गया है। फिर हम सब लोग भाग के आए और इनको लेके सोलन हॉस्पिटल आ गए। इसमें एक सिंगर है ठियोग से, प्रदीप शर्मा, सुरेश शर्मा, श्यामलाल और ईशानी लड़की है, ये चार लोग हैं। इनको फर्स्ट एड अभी सोलन हॉस्पिटल में दी गई है और शायद श्यामलाल और सुरेश शर्मा को रेफर किया जाएगा, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया है। इसके बाद बाकी अभी डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, उसके बाद जैसे भी जो रिपोर्ट आती है उसके बाद आगे के लिए इनको शिमला या चंडीगढ़ के लिए जहां भी रेफर किया जाएगा वहां ले जाएंगे, क्योंकि गाड़ी नीचे थी, बंदे ऊपर गिर गए थे, क्योंकि काफ़ी 300-400 फुट गाड़ी गई है ऊपर मेन रोड से और लिंक रोड में आई है। सर प्रदीप शर्मा जी के ऊपर तो एक पेड़ भी गिर गया था ना, उसके पेड़ के नीचे दबे थे। वैसे गांव वालों ने इकट्ठे होके 60-70 लोग एकदम से इकट्ठे हो गए थे सरगांव गांव के और उन्होंने उठा के उनको सीधा अपनी गाड़ियों में डाल के लेके आए। 108 भी मौके पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो धर्मपुर से आनी थी और वो उनसे बात हुई तो अभी ओचघाट से जब हम क्रॉस किए तो वो सुल्तानपुर पहुंचे थे, तो हम अपनी गाड़ी से लेके आए हैं और यहाँ हॉस्पिटल में, सोलन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है।